एक ऐसी भूमि जिसके गर्भ में निहित है करोड़ों वर्षों की सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि। परंतु आज क्या मिला इस प्रेम, विश्वास तथा भाईचारे के बदले 150 वर्षों की गुलामी? अब समय है इन बेड़ियों को तोड़ने का, इनसे मुक्ति पाने का, क्योंकि इस क्रांति की चिंगारी अब पूरे देश में फैल चुकी है। September 28, 1907, एक क्रांतिकारी का जन्म, भगत सिंह। जो आगे चलकर वीरता का प्रतीक बनकर उभरा, एक ऐसा वीर जिसने 23 वर्ष की उम्र में ही विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया और इस देश का राष्ट्रीय नायक बना। फिर वो दिन आया जब भगत सिंह को चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारना था, जिसने सैकड़ों बेगुनाह लोगों पर लाठीचार्ज का हुक्म दिया था और साथ ही साथ एक अंग्रेज अधिकारी सॉन्डर्स को भी खत्म करना था, जिसने लाला लाजपत राय की हत्या की थी। लाला लाजपत राय, जिन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक जनसभा का नेतृत्व किया था। साइमन कमीशन एक ऐसा कानून जो अगर लागू हो जाता तो भारतीयों को गुलामी की इस जंजीर में और बुरी तरह से जकड़ लेता। लाहौर शहर, February 1928, पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स किसी भी क्षण पुलिस स्टेशन के बाहर आ सकता है और पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट शहर में गश्त लगा रहे हैं। आपका लक्ष्य है सॉन्डर्स को खत्म करने में भगत सिंह की मदद करना और उसके बाद स्कॉट को ढूंढ निकालना, स्कॉट को मारने के पश्चात वहां से भाग निकलना तथा लॉज में छिप। सॉन्डर्स, ये लाला लाजपत राय की मौत का बदला है। ओह गॉड, कैद कर लो इस क्रांतिकारी को। अब तुझे देखता हूं। गोली चलाओ। अगर
मैं दुर्गा देवी। लॉज कहाँ होगा? ऊपर आ जाओ। भगत, मैं दुर्गा देवी। जल्दी ऊपर आ जाओ। भगत, मैं दुर्गा देवी।